हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यर शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश। टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन, दैट इज लेसन 6, माई चाइल्डहुड बाई APJ अब्दुल कलाम। एंड दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, एंड विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम। ओके, APJ अब्दुल कलाम। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी मीन्स अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिमसेल्फ। ओके, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। एंड बायोग्राफी, इफ समवन राइट्स अबाउट समवन एल्स, दैट इज नोन एज बायोग्राफी। क्लियर? नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक विंग्स ऑफ फायर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। ये जो आपका लेसन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें से ये लेसन जो आप पढ़ने वाले हो अभी, ये लिया गया है। इट टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड ड्यूरिंग विच ही अर्नड हिज फर्स्ट फैक्ट्स अबाउट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एंड अबाउट हिज फ्रेंड्स। ड्यूरिंग दिस टाइम ही फेस्ड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड वॉज एबल टू ओवरकम इट विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स हु वर नॉट लाइक ट्रेडिशनल पीपल। आप इस लेसन में क्या देखोगे? ये लेसन आपको बताएगा कि अब्दुल कलाम का बचपन कैसा था, ठीक है ना। इसमें आप उसके चाइल्डहुड के बारे में देखेंगे, उनके फ्रेंड्स के बारे में जो है जानेंगे, और उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग कैसे की उसके बारे में जानेंगे, और उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में आप जानेंगे, और इसमें जो उसने फेस किया रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, उस चीज़ के बारे में आप जानेंगे इस लेसन में, ठीक है क्लास। और जो लोग उनकी लाइफ में पॉजिटिव थे और जिन लोगों ने उनकी हेल्प करी इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करके आगे बढ़ने के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वंडरफुल लेसन, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर बाय APJ अब्दुल कलाम। क्लियर? नाउ विल स्टार्ट। ओपन दिस पैराग्राफ। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। सॉरी, ये कहते हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने, ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी में जब एक पर्सन अपने बारे में लिख रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन यानी आई से स्टार्ट होता है। तो आई, द वर्ड हियर आई शोज दैट इट इज रिटन इन एन ऑटोबायोग्राफी फॉर्म। क्लियर? आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में हुआ था, ठीक है ना, जो कि आइलैंड में था, रामेश्वरम में, जो कि अर्स्टवाइल मतलब फार्मर पहले का, जो कि पहले मद्रास का स्टेट था। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, ये पिक आप देख सकते हो तमिलनाडु, और आपका ये कहाँ पर है, रामेश्वरम, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से रामेश्वरम को भी यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका इधर है, एकदम कोने में देख सकते हो। क्लियर? ओके। माई फादर जैनुल आब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्दी। और जो मेरे फादर थे, वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल एजुकेटेड भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा वेल्दी भी नहीं थे। माई फादर जैनुल आब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्दी। डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। और इसके अलावा, डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, यानी कि उनके पास एजुकेशन नहीं था, फॉर्मल एजुकेटेड नहीं थे, इस डिसएडवांटेज के बावजूद उनका जो इनैट विजडम था, यानी कि जो उनका आंतरिक, जो उनका नेचुरल बिहेवियर था, वो जो विजडम था, वो बिल्कुल अच्छा था, जेनरस था, बिल्कुल उदार था, बहुत ही प्योर था, बहुत ही अच्छे थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर अहिसमा। अब ये बता रहे हैं कि जो उनकी मदर थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी और उनके फादर की बहुत हेल्प किया करती थी। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that for more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अभी कह रहे हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्पफुल थी, मेरे फादर के साथ थी, और उन्होंने, उनको ये नहीं याद आता अब्दुल कलाम को कि उसके घर में डेली कितने लोग खाना खाते थे। आउटसाइडर लोग ज़्यादा थे जो कि खाना खाते थे उनके घर में, उनके खुद के फैमिली मेम्बर कम थे। यानी कि ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे दूसरों की हेल्प करने में, ठीक है। तो आउटसाइडर्स इनके घर के मेम्बर से ज़्यादा डेली खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन,
boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. Undistinguished means ordinary, common. अब ये कह रहे हैं कि मैं जो मैं मतलब कि मेनी चिल्ड्रन में मैं जो था एक शॉर्ट बॉय था और ऑर्डिनरी सा था, कॉमन सा लुक था मेरा, बहुत ज़्यादा मैं स्मार्ट या टॉल हैंडसम नहीं था। हालांकि मेरे पेरेंट्स जरूर टॉल थे और अच्छे थे, ठीक है, मेरे पेरेंट्स टॉल थे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं था, मैं शॉर्ट बॉय था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, अभी कह रहा है कि अपने एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल मीन्स पैतृक घर, पूर्वजों का घर, वहाँ रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century, इट वॉज अ फेयरली पक्का, लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अभी कह रहा है कि हम जो अपने घर में रहते थे, पैतृक घर जो हमारा था, वो 19th century का बना हुआ था और एक ये अच्छा मजबूत और टिकाऊ था, पक्का हाउस था। ये किसका बना था? लाइमस्टोन का, ब्रिक का, और ये मस्क्यू स्ट्रीट पर था रामेश्वरम में। तो ये भी मतलब आपको मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क दैट वेयर इज द हाउस, वेयर वॉज द हाउस ऑफ अब्दुल कलाम सिचुएटेड। तो इट इज इट वॉज सिचुएटेड ऑन द मस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। क्लियर? माई ऑस्ट्रे फादर यूज टू अवॉइड ऑल इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्ट्रे मीन्स सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सेवरे, मतलब सिंपल और स्ट्रिक्ट। तो मेरे जो पापा थे वो बहुत सिंपल थे और स्ट्रिक्ट थे, और वो सारे जो इन इसेंशियल, जो जरूरी चीज़ें नहीं हैं, उनको अवॉइड किया करते थे, अनदेखा किया करते थे, फालतू खर्च नहीं करते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स। हालांकि जो हमारी जरूरी आवश्यकताएं थी, जैसे कि कपड़े, मेडिसिन, फूड, ये सारे हमें प्रोवाइड की जाती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। अभी कह रहे हैं मेरा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा सिक्योर था, सेफ था, मटीरियली भी और इमोशनली भी, यानी कि हमारी केयर भी अच्छी हुई और हमारी ज़रूरत का हर सामान हमें मिला। तो ये अपने पापा के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं अपना। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1939 में, व्हेन आई वॉज 8 years old, और जब ये 8 years old थे, फॉर रीजन आई वॉज नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टर्म tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum. Princely sum means a generous amount, ठीक है, of one anna जो है इसको मिल जाता था। अब ये बता रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर अचानक से जब 1939 में शुरू हुआ, तो ये 8 years old थे, ठीक है। तो ये जो है समझ नहीं पाए इस चीज़ को, खैर, कि जो ये इमली के बीज का दाम, टर्मरिन मीन्स इमली, तो इमली के बीज का दाम मार्केट में अचानक से कैसे बढ़ गया, और फिर इसके बाद ये कहने लगे कि ये उसके सीड्स कलेक्ट किए, प्रोविजन मतलब परचून की शॉप, मॉस्की स्ट्रीट पर प्रोविजन शॉप पे जाके उसको बेच दिए, सेल किए, और इनका एक दिन का जो कलेक्शन था वो एक क्या था, वन आना मतलब एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 paise। एक ओल्ड इंडियन कॉइन है जो कि 6 paise के जितना होता है। तो एक प्रिंसली सम था, ये एक तरीके का एक जेनरस अमाउंट था जो कि इनको हासिल हुआ। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दीनामनी। अभी बता रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर वहाँ पर शुरू हुआ था, तो इनके भाई जलालुद्दीन जो कि इनके ब्रदर इन लॉ है, वो उनको स्टोरीज बताते थे और उन स्टोरीज को ये दीनामणि न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, अ तमिल डेली न्यूज़पेपर। दीनामणि क्या है? एक न्यूज़पेपर है। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, लोनली, कट ऑफ, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर, बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिट फोर्स एंड समटाइम्स लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। एलिट फोर्स मतलब द आर्मीज ऑफ UK एंड USA एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये कह रहे हैं कि जो है ये अपने, इनका जो एरिया था आइसोलेट था, मतलब अकेला था, अलग था, कट ऑफ था, उसके ऊपर वॉर का अफेक्ट नहीं था, अनअफेक्टेड एरिया था। लेकिन बाद में जो है इंडिया को भी फोर्स किया गया कि वो एलिट फोर्स, UK और USA वगैरह, रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इनको ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया। और उस समय कुछ इमरजेंसी की स्थिति डिक्लेयर हो गई वहाँ पर, जिसका क्या रिजल्ट आया,
The first casualty came in the form of the suspension of train halt at Rameshwaram station. जब ये इन जहाँ पर ये रहते थे रामेश्वरम में, तो वहाँ पर क्या इफेक्ट आया इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ये आया कि वहाँ पर कैजुअलिटी मतलब लॉस, लॉस क्या आया कि सस्पेंशन हो गया, ट्रेन हॉल्ट, हॉल्ट माने स्टॉपेज, तो जो ट्रेन के स्टॉपेज हुआ करते थे, ट्रेन जो रुका करती थी, तो उसका सस्पेंशन ऑर्डर आ गया, यानी कि ट्रेन को मतलब कि वहाँ पर एंड कर दिया गया उसका, मतलब कि उसको आगे बढ़ने पर रोक, मतलब आगे जाने लगी वहाँ पर स्टॉपेज उसका कैंसिल हो गया, बंद हो गया. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. अब क्या था कि जो newspaper के bundle जो कि फेंके जाते थे वहाँ पे, तो वो moving train से फेंके जाने लगे, ठीक है, चलती हुई train से Rameshwaram road पर, कहाँ से कहाँ तक, Rameshwaram से Dhanushkodi तक, ठीक है ना. तो ये result आया कि जो train के stoppage थे वो बंद कर दिए गए, तो उस वजह से newspaper के bundle जो है चलती हुई train से फेंके जाने लगे. That forced my cousin Samasuddin who distributed newspaper in Rameshwaram. तो ऐसी सिचुएशन को जब मेरे कज़िन ने समासुद्दीन ने इस सिचुएशन को फेस किया जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, तो उनको ज़रूरत पड़ी एक हेल्पिंग हैंड की. टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट समासुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वैक्स. तो उसको एक मदद की ज़रूरत पड़ी, तो इसने जो है उस स्लॉट मतलब खाली जगह, तो इसने जो है उस स्पेस को उस जगह को फिल किया और उसकी हेल्प करने के लिए चले गए. कौन? APJ अब्दुल कलाम. तो इस तरीके से समासुद्दीन ने उनकी पहली अर्निंग में उनकी मदद करी. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड. अब जब इस जिस समय ये बता रहे हैं ये घटना इंसिडेंट कलाम बता रहे हैं, उस समय कह रहे हैं कि हाफ अ सेंचुरी यानी 50 ईयर्स बीत चुके हैं इस इंसिडेंट को, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अभी भी एक तरीके की प्राइड की फीलिंग आती है. सडन इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो यानी कि अपने खुद के काम, अपने खुद की अचीवमेंट्स, एक तरह की सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग आती है, तो वो अब्दुल कलाम जिस समय ये लिख रहे थे ऑटोबायोग्राफी अपनी, उस समय भी इस तरह की फीलिंग को वो फेस करते हैं. इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इन्होंने अपनी फर्स्ट मनी अर्न करी थी फर्स्ट टाइम, तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते थे. एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन टू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरमेंट. अब कलाम कह रहे हैं कि हर बच्चा बॉर्न होता है कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. इनहेरिटेड माने जो हमें इनहेरिट करते हैं, हम जो अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, तो हर बच्चा उसी तरह से जन्म लेता है अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से क्वालिटी लेकर के. इन टू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरमेंट एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. और वो बच्चा जो जन्म लेता है उसका एक तरीके का स्पेशल एनवायरमेंट मिलता है, सोशल एनवायरमेंट मिलता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट मिलता है और इमोशनल एनवायरमेंट मिलता है. और फिर बच्चा अपने जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा एक तरीके से ट्रेंड किया जाता है. तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो मतलब कि जो भी एनवायरनमेंट हमें मिलता है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, तो हम उसी तरीके से ट्रेंड होते हैं. तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी ओवर अनदर पर्सन, अ पर्सन हु हैज़ द पावर टू गिव ऑर्डर्स और मेक डिसीजंस. तो हमारे ऊपर मतलब अथॉरिटी क्या है, जो हमको गाइड करती है, नरिश करती है, हमारे पेरेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए डिसीजन लेते हैं. तो यहाँ पर ये उनकी बात बता रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा मेरा अच्छा मतलब कि पालन पोषण हुआ. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ये दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये इनहेरिट किया ऑनेस्टी को, सेल्फ डिसिप्लिन को, ठीक है, अपने फादर से इन्होंने हासिल किया, मदर से इन्होंने क्या हासिल किया, अच्छाई में विश्वास करना और एक तरीके का काइंडनेस मतलब कि दयालुता, और इसी तरीके से ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये इसके भाई बहन ने भी इनहेरिट किए. तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ही हैज़ इनहेरिटेड मेनी थिंग्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दीज आर, एंड दिस कैन बी आस्क इन क्वेश्चन ऑल्सो. दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट. क्लास वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट टू मी. यू विल हैव टू राइट द समरी ऑफ टॉट पैराग्राफ्स एंड यू विल बी गिवन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट दैट. Okay, class, thank you.